जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक के साथ ही नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वी चंद्रन की बेंच ने यह फैसला सुनाया और इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। वहीं बिहार की सियासत इसको लेकर तेज हो गई है। पहले भी हाईकोर्ट में कई लोगों ने किया था, उसमें भी हम लोगों ने पक्ष को रखा था। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था, हम लोगों ने पक्ष को रखा था। देखिए, जब तक आदेश नहीं आ जाता, बिना आदेश पढ़े हुए बीजेपी के लोग बोल रहे, मतलब क्या है? ये लोगों का देखिए, लोग तो खुशी मना रहे ना इन लोगों को कि भाई नहीं हो रहा। लेकिन ये तो बात सही तय कि ऑल पार्टी मीट जो हुई है उसमें जो है वो हम लोग, अगर बीजेपी के लोग कह रहे कि हम लोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं तो बीजेपी शासित राज्य में क्यों नहीं कर रहे हैं? या केंद्र सरकार ने क्यों मना कर दिया? आप बताइए, कोई भी बीजेपी शासित राज्य में या केंद्र सरकार करा रही है क्या? नहीं, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार की सरकार, नीतीश कुमार के जो नेतृत्व में सरकार है, अपने भी मेमोरी लॉस थे और सरकार पूरी तरह जवाब ठीक से नहीं दे पाई। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को जवाब और पक्ष और सारे चीज़ों का प्रूफ देना चाहिए था। नीतीश कुमार की सरकार सही ढंग से काम भी नहीं कर पा रही है, इसलिए पहले मेमोरी लॉस थे, अब सरकार भी मेमोरी लॉस हो गई। अब मनसा पे सवाल उठा रहे हैं सरकार की। एकदम 200% नीतीश कुमार ये सिर्फ नाटक करने वाले मुख्यमंत्री हैं, किसी भी स्तर पर कोई काम नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ नाटक इनका है। इसलिए ये जो स्थिति उत्पन्न हुई ये सरकार के चलते उत्पन्न हुई। सिर्फ नीतीश कुमार जानते थे, जिस दिन पहला कैबिनेट आया था हम लोगों ने एक पेज के कैबिनेट नोट पर उनको सहमति दिया था। सिर्फ नीतीश कुमार जानते थे, हम लोग कोई नहीं जानते थे। लेकिन हम लोगों ने भरोसा जताया था कि ये सही ढंग से जातीय जनगणना कराएंगे। ये नीतीश कुमार जी का दोष है क्योंकि वही इस डिपार्टमेंट को देखते रहे। नीतीश सरकार लंबे समय से जातिगत जनगणना करने के पक्ष में रही है। जैसे ही पटना हाईकोर्ट का फैसला आया, आरजेडी और जेडीयू के नेताओं ने अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया। विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव सर्वदलीय सहमति के आधार पर संवैधानिक प्रावधान के तहत जाति गणना का नीतिगत फैसला और ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा तत्काल अंतरिम आदेश पारित किया जाना और यह निर्देश के साथ कि जो भी डेटा संग्रह हुआ है उसको रिजर्व रखा जाए, तो निश्चित रूप से ये तात्कालिक आदेश है। इसके राजनीतिक निहितार्थ जो भी निकाल रहे हैं वो सर्वदलीय जो फैसला है, जो विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव है, उसको गंभीरता से राजनीतिक चश्मे से जरूर देखना चाहिए। जातीय जनगणना को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं। माननीय न्यायालय के फैसले पर तो कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है, लेकिन जो अगली तिथि दी गई है उसमें अंतिम फैसला होगा तो देखा जाएगा। सरकार ने अपना पक्ष रखा और जातीय जनगणना क्यों जरूरी है ये भी सरकार ने बताया, लेकिन माननीय न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं और आगे जो भी होगा सरकार अपना पक्ष रखेगी। वहीं बीजेपी की तरफ से इसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। जातीय जनगणना का हम विरोधी नहीं है, जातीय जनगणना, लेकिन उद्देश्य राजनीतिक रोटी सेंकना। मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय में बिहार सरकार जातीय गणना से जो लाभ बिहार को होना था उस पक्ष को ठीक से नहीं रख पाया, जिसके चलते इस तरह का आदेश पारित हुआ। बिहार सरकार कहीं न कहीं इसमें असफल साबित हुई है और बिहार सरकार को जातीय गन्ना से जो बिहार के लोगों को लाभ है या इस गन्ना से जो कई चीज़ें सरकार को आने वाले दिनों में निर्णय लेने में सुविधा होती, लगता है इन सारे पक्षों को बिहार सरकार ने नहीं रख पाए। बिहार सरकार
न्यायालय में इन सारी बातों को रखने में असफल साबित हुई। देखिए नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना जो शुरू किए थे जात से जात को तोड़ने के लिए किए थे, और मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से आदेश आया है हम लोग को उम्मीद है कि इस पर निश्चित रूप से स्टे लगेगा, इसलिए कि जातीय जनगणना से समाज टूटता है समाज जुड़ता नहीं है। सबसे पहले जरूरत है पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून आए उसके बाद जातीय जनगणना कराए, इसमें कोई नहीं। बता दें कि नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 को और फिर 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास करा चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार इसके खिलाफ रही है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर साफ कर दिया था कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। केंद्र का कहना था कि ओबीसी जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम है। बिहार सरकार ने पिछले साल जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया था। इसका काम जनवरी 2023 से शुरू भी हुआ था, इसे मई तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने इस पर 3 जुलाई तक रोक लगा दी है। वहीं बिहार सरकार इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।